शहर के गौतम नगर से महाकाली मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर पैदल चल रहे एक राहगीर का मोबाइल छीनकर भागने वाले दो आरोपियों को शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया। शहर में चोरी की वारदातें आए दिन प्रकाश में आती है। चोर नए नए पैतरे आजमाकर और मौका पाकर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में शहर में गौतम नगर से महाकाली मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर चलते राहगीर से चोरों ने मोबाइल छीनकर फरार होने की खबर सामने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आनंद नगर महाकाली कॉलरी निवासी रोहित किशोर सोम दंडीवार 3 जुलाई की सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के दौरान गौतम नगर से महाकाली मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग से पैदल जा रहे थे। इसी बीच उन्हें एक फोन कॉल आया। फोन पर बात करते हुए जा रहे थे, इसी दौरान उनके पीछे से एक कत्थे रंग की मोपेड टू व्हीलर पर सवार दो युवकों ने आकर रोहित सोम दंडीवार इनके हाथ से मोबाइल छीना, जो कि वीवो कंपनी का मोबाइल जिसकी कीमत करीब 10,000 रुपए लेकर फरार हुए। इसकी शिकायत चंद्रपुर शहर पुलिस थाने में की गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर अपराध दर्ज किया और जांच में जुट गई। जांच दौरान पुलिस ने इस मामले में शामिल तनवीर कदीर बेग उम्र 22 और शिवम उर्फ अट्टा अनिल कुड़केलवार दोनों ही भंगाराम भिवापुर वार्ड के निवासी होकर इन्हें गौतम नगर से महाकाली मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की ओर से मोबाइल जिसकी कीमत 10,000 रुपए और आरोपी ने गुनहे में इस्तेमाल की कत्थे रंग की टू व्हीलर जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपए, एक टीन की नंबर प्लेट, एक कागजी बुक, ऐसा कुल 80,000 रुपए का माल जब्त किया। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक रविन्द्र सिंह परदेसी, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुधीर नंदनवार इनके नेतृत्व में और पुलिस निरीक्षक सतीश सिंह राजपूत इनके मार्गदर्शन में गुने शोध पथक के सहायक पुलिस निरीक्षक मंगेश भोंगाड़े, पुलिस उप निरीक्षक शरीफ शेख, विलास निकोड़े, महेंद्र बेसरकर, जयंता सुनारकर, संतोष पंडित, सचिन बोरकर, चेतन गज्जलवार, प्रमोद डोंगरे, इमरान खान, इरशाद खान, दिलीप कुसराम, खुशाल कावड़े, रूपेश रंदीवे आदि ने की।